नमस्कार दोस्तों, संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं किस तरह से वायरस इफेक्ट दे सकते हैं। वायरस इफेक्ट इस तरह से आपने हॉलीवुड की फिल्मों के अंदर ही देखे होंगे, लेकिन आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे किस तरह से एडोब आफ्टर इफेक्ट के अंदर इस तरह का वायरस इफेक्ट दिया जा सकता है जो एकदम हॉलीवुड फिल्मों की तरह ही लगेगा। अगर आपको इस तरह से कोई अपनी शॉर्ट फिल्म वगैरह वीडियो के अंदर ये काम में लेना हो तो आप ले सकते हैं। ये वीडियो में भेजा है जय फिल्म्स खलीलाबाद ने, थैंक यू जय। देखिए दोस्तों किस तरह से बनाते हैं ये वायरस इफेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, वैसे कुछ नहीं था है, इसको एडोब आफ्टर इफेक्ट से इस इफेक्ट को दिया गया था। आप एक मूवी देखे होंगे द मम्मी, उसमें इस इफेक्ट का यूज हुआ है। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं पूरे बॉडी में घुस जाते हैं, इस तरह के इफेक्ट को आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये पूरा टोटल इफेक्ट एडोब आफ्टर इफेक्ट से बनाया गया है और बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। आप ध्यान से देखेंगे पूरा ट्यूटोरियल, लास्ट तक देखेंगे तो आप इसको बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है जय फिल्म्स खलीलाबाद, इस पे बहुत सारे वीडियो हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हमारा एडोब आफ्टर इफेक्ट ओपन हो गया है। ये हमारी क्लिप है जो हम आपको एडिट करके दिखाएंगे। पहले से इस तरह से कुछ एक्टिंग किए हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ से कीड़ा निकलेगा और इसे सर के ऊपर तक जाएगा, कीड़ा जैसे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमको पहले ट्रैकिंग करना होगा, ट्रैक मोशन यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ ट्रैक मोशन है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ से ले लिए हम कंट्रोल जेट करके, फिर दोबारा यहाँ से ले करके दिखाते हैं। ट्रैक मोशन हम ले लिए हैं, यहाँ देखिए पोजीशन है, यहाँ पर रोटेशन, दो पॉइंट लेते हैं हम। एक पॉइंट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं सर के पास और दूसरे पॉइंट को यहाँ कंधे के पास ट्रैकिंग करना होता है। इसके बारे में तो शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो संजय सर का ट्यूटोरियल देखिएगा, इसमें इसके बारे में डिटेल है, आप वहाँ से देख सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ये जो बाहर वाला एरिया होता है सर्चिंग एरिया होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आसानी से ट्रैक कर ले। और इस तरह से हम पुश करके इसको बार बार चेक कर सकते हैं कहीं हमारी ट्रैकिंग छोड़ तो नहीं रहा है। यदि सही से ट्रैकिंग पकड़ा हुआ है तो पूरी तरह से इसको ट्रैक हो जाने दें। ट्रैक हो गया है, लेयर पे जाएंगे, यहाँ से नूल ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद एडिट टारगेट पे जाएंगे और यहाँ से नूल हमारा देखिए नूल टू के नाम से है, यहाँ देख सकते हैं लेयर पे है, उसको ओके कर देंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई हमको एक्स और वाई एक्सेस पे अप्लाई करना होगा, इसको भी ओके कर देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं जो हमारा ट्रैकिंग पॉइंट है नूल में, सारा ट्रैकिंग पॉइंट आ गया है, यहाँ पे की फ्रेम नीचे सब दिखाई दे रहा है। यहाँ न्यू में जाएंगे, एक सॉलिड ले लेंगे, सॉलिड किसी भी कलर का ले सकते हैं, वाइट ले लेते हैं सॉलिड, और यहाँ से एक मास्किंग कर लेंगे। मास्किंग अपने हिसाब से करना होगा, छोटा बड़ा जिस हिसाब से हमको वहाँ पर शेप देना है उस हिसाब से मास्किंग कर लेते हैं। और जो इसका मास्किंग का हमारे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एकदम सेंटर पे करना होगा, इसका शॉर्ट की वाई होता है। सेंटर पे करने के लिए इस पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल जैसे ही प्रेस करेंगे आप, एकदम सेंटर पे वो आ जाएगा, नहीं तो आप मैनुअल भी इसको सेंटर पे कर सकते हैं। और इसका शॉर्ट की होता है मास्किंग का एम प्रेस करेंगे तो हमारा मास्किंग ओपन हो जाएगा, और एफ प्रेस करेंगे तो फैदर ओपन हो जाएगा। फैदर हम देते हैं 10%, उसके बाद जिसकी जो ऑपसिटी है ऑपसिटी हम कर देते हैं 50%, जो हमारा सॉलिड था उसकी ऑपसिटी हम 50% कर देते हैं। और यहाँ से हम इसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यदि लगता है कि बड़ा है तो इसको छोटा भी कर सकते हैं और इसको हम ट्रैक कर देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा ये ट्रैक, हमारा जो सॉलिड लेयर था ये ट्रैक हो गया है। यू को प्रेस करेंगे तो हमारा जो की फ्रेम है वो ओपन हो जाएगा, फिर यू को प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। सॉलिड लेयर है, सॉलिड लेयर को टी शर्ट के पास ले करके आते हैं और पी को जैसे ही यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमारा पोजीशन ओपन हो जाएगा, या तो इस तरह से हम जा कर के अंदर ओपन कर सकते हैं। अब हमको की फ्रेम बनाना होगा, हमारा पहला की फ्रेम था, ये दूसरा की फ्रेम हो गया।
इस तरह से हमको गर्दन से ले करके सर तक ले जाना है, तो दूर दूर की फ्रेम बना करके इसको ले करके जाएंगे। थोड़ा सा लेफ्ट राइट हल्का हल्का मोड़ दे देंगे ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब लगेगा कि जो हमारा ये सॉलिड लेयर है जो हम यहाँ पे एक कीड़े का शेप दे रहे हैं, वो लगेगा जैसे घूमते हुए जा रहा है, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कि थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है, यानी कि हमारा एक की फ्रेम यहाँ पे नज़दीक हम बना दिए हैं, तो इसको थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं, दूर नहीं इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया, अब इसको हम पूरा रेंडर करके देखेंगे। देखिए चेहरे के ऊपर से एकदम जा रहा है, जिस तरह से हमको चाहिए था उस तरह से हो गया है। ये तो हम चेहरे के ऊपर कर रहे हैं, यदि आपको कहीं हाथ पे करना हो या शरीर पे कहीं किसी जगह पे आपको करना हो तो उसके हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सॉलिड पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफार्म, इसके बाद आ जाएंगे ऑटो ओरिएंट। यहाँ आने के बाद ओरिएंट पाथ को ऑन कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हमारा सॉलिड लेयर है, इस पे जाएंगे इसको रोटेट करेंगे, आर दबाएंगे रोटेशन हमारा ऑन हो जाएगा, और यहाँ से इसको रोटेट कर देंगे, जिस तरह से हमारा पोजीशन गया है उसी हिसाब से इसको रोटेट कर देंगे। अब इस ऑन करने का मतलब ये हो गया कि जिस तरह से गया है अपने आप पे उसी तरह से मोमेंट करते हुए जाएगा। देखिए इस तरह से फील होगा कि ये रेंगते हुए जा रहा है, जो हमारा कीड़ा है रेंगते हुए आगे की तरफ जा रहा है। इसकी साइज थोड़ी बड़ी लग रही है तो यहाँ से हम इसको छोटा कर लेंगे, थोड़ा सा इसको कर देते हैं यहाँ पे 12%। अब ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया है, इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा जितना बड़ा आपको करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा ये कीड़ा बना हुआ है ये रेंगते हुए जाए, तो इसके लिए हमको जो मास्क पाथ है इस पर एक की फ्रेम बनाना होगा। की फ्रेम बनाने के बाद इसको थोड़ा सा इसे आगे की तरफ करके इसका जो शेप है थोड़ा सा चेंज कर देंगे, फिर की फ्रेम बनाएंगे, जो हमारा पहला की फ्रेम है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ से कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कॉपी पेस्ट, इस तरह से करते हुए पूरा सेट कर लेंगे। जितना बड़ा हमारा क्लिप है उतने पूरे एरिए को इस तरह से हम की फ्रेम बना लेंगे। की फ्रेम बनाने के बाद थोड़ा सा चेक करते हैं। अब ठीक है, यहाँ पे जाएंगे इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी करेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा पोजीशन है पोजीशन को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे साइड खिसका देते हैं आगे की तरफ पीछे की तरफ दाएं बाएं जिस हिसाब से आप करना चाहते हो। हमारा डुप्लीकेट लेयर हो गया है और पूरे पोजीशन को हम एक साथ खिसका दिए हैं, साइड में कर दिए हैं। थोड़ा सा और इसकी कुछ सेटिंग करते हैं, इस तरह से अलग रोटेशन इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि ये दूसरे दिशा में जाए और पहला वाला कीड़ा दूसरे दिशा में जाए, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इसलिए इसको इस तरह से करते हैं। कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। अब सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, जिस तरह से दूसरे लेयर को किए हैं, पी को प्रेस करेंगे हमारा पोजीशन ऑन हो जाएगा। एक साथ पूरे पोजीशन को ऐसे पकड़ करके थोड़ा सा साइड खिसका लेंगे और इसका भी हल्का फुल्का रोटेशन थोड़ा चेंज करेंगे, दिशा इसका थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि हमारी जो कीड़े वाला पोजीशन है वो अलग अलग दिशा में जाए। अभी तक तो तीन लेयर है, इस तरह से आप चार लेयर पांच लेयर तीन लेयर के अलावा और भी लेयर आप बना सकते हैं। आप चाहते हैं और भी लेयर हो तो आप और लेयर बना सकते हैं। वैसे हम तीन लेयर को लेकर के चलते हैं, इसको रेंडर करके देखते हैं। देख सकते हैं आप एकदम पूरा पकड़ करके जा रहा है, शरीर को पकड़ते हुए जा रहा है। अब जो ऊपर वाला लेयर उसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को दबा करके ऐसे जो नूल हमारा है चार क्लिप हो गया नूल को लेकर के, चारों को लेंगे राइट क्लिक करेंगे प्री कंपोज कर देंगे और यहाँ पे इसका नाम कुछ अलग दे सकते हैं, जो भी आपको इच्छा करे। हम इसका नाम वायरस के नाम से रखते हैं, ये हमारा वायरस वाली क्लिप हो गई, इसको वायरस नाम दे दिए हैं। अब जितना बड़ा हमारा क्लिप है चाहते हैं तो आगे पीछे का हिस्सा हम कंट्रोल शिफ्ट डी के साथ डिलीट कर सकते हैं, इसको दोनों तरफ का हम डिलीट कर दिए। एक इफ़ेक्ट लेना है, अब यहाँ से इफ़ेक्ट पे जाएंगे, सीसी ग्लास के नाम से इफ़ेक्ट है, इस इफ़ेक्ट को डालेंगे। अब देख सकते हैं चेहरा बहुत अजीब तरह से हो गया है। अब यहाँ से पूरी सेटिंग करना होगा,
यहाँ आप देखिए वायरस के नाम से आ गया, जो हमारा लेयर है यहाँ पे नीचे वही आ गया। अब उस पर सेलेक्ट कर देंगे तो सारा जो इफेक्ट है उस लेयर पे होगा। इस लेयर को हमको म्यूट करना था, अब से हम म्यूट कर देते हैं और यहाँ पे आकर के इसको अल्फ़ा कर लेते हैं। ये अल्फ़ा हो गया और पूरा टोटल सेटिंग, इस वायरस का पूरा सेटिंग यहाँ से हमको करना होगा। ये अपने हिसाब से जो आपके फोटोज पे, जो आपके क्लिप पे जिस तरह की लाइटिंग है, लाइटिंग के हिसाब से इसका भी सेटिंग करेंगे, कुछ मैचिंग कराने की कोशिश करेंगे, एकदम मैच हो जाए। तो यहाँ से इसको हम 5% कर देते हैं, इस तरह से इसकी कुछ सेटिंग करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग है, आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही आपको समझ में आएगा, करते जाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आप इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से देखे हैं कई मूवियों में यूज हुआ है, खासकर से द मम्मी में तो यूज हुआ है। द मम्मी में किस सॉफ्टवेयर से बनाया गया है तो नहीं कह सकते, लेकिन उस तरह का बनाने की कोशिश किए हैं कि बन जाए। यहाँ पे आप देखिए लाइटिंग पड़ रहा है, तो चेहरे पे हमारा इस साइड से लाइट आ रहा है, तो इस पे भी उसी साइड से लाइट आना चाहिए, इसलिए इसका लाइट का जो रोटेशन है इस साइड कर देते हैं। देखिए फेस पे लाइट पड़ रहा है, तो ये भी इधर ही लाइट पड़ेगा, तो देखने में थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। लाइट को यहाँ से कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिस हिसाब से आप करना चाहें उस हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। और यदि यहाँ से लाइटिंग अधिक है तो एम्बियंट पे जा करके यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और जो इसमें जो हमारा वायरस है, इसमें आप देखेंगे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस रिफ्लेक्शन को आप यहाँ से स्पेकुलर से आप अधिक से अधिक कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लाइटिंग जिस हिसाब से आपके क्लिप पे लाइटिंग है, उस लाइटिंग के हिसाब से इसको हम सेटिंग कर सकते हैं। इसका पूरा सेटिंग सीसी ग्लास इफेक्ट से किया जाएगा। जब आप करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा किस जगह से हम इसको कम करें और किस जगह से अधिक करें। करते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में बताते हैं। यहाँ सर के पास देखेंगे आप ब्लू लाइट पड़ रही है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा वायरस है उस पर भी हल्का हल्का ब्लू हो, तो इसके लिए कंट्रोल डी के साथ इसको डुप्लीकेट कर लेंगे वायरस वाले लेयर को। लेयर्स पे जाएंगे, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर ले लेंगे एक एडजस्टमेंट लेयर लेने के बाद इफेक्ट में जाएंगे, कलर करेक्शन, उसके बाद कलर बैलेंसिंग ले लेंगे। यहाँ से ब्लू, थोड़ा सा ब्लू लाइट को बढ़ाएंगे, यहाँ से कलर को बढ़ाएंगे, कुछ भी हम इस तरह से कुछ भी सेटिंग कर देते हैं। इसका क्या मतलब होता है इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा एडजस्टमेंट लेयर है, इस एडजस्टमेंट लेयर को हम नीचे की तरफ ले करके आते हैं और यहाँ पे अल्फ़ा मैट कर देंगे। आप देख सकते हैं अल्फ़ा मैट हम इसको कर दिए, तो जो हमारा वायरस है इस पे कलर केवल पड़ा है। देखिए म्यूट करके देखते हैं, देख सकते हैं आप केवल इस पे कलर पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इस एडजस्टमेंट लेयर पे कोई भी कलर डाल करके अपने हिसाब से हमको क्या कलर देना है, किस तरह का इफेक्ट देना है, तो इस हिसाब से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस आ गया है वायरस पे। केवल एक तरह से समझाने के लिए आपको इस तरह से करके बताया है कि ऐसा नहीं कि इसी तरह से होना चाहिए, लेकिन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि इस पे कलर देना है तो कैसे कलर दे, इसलिए इस तरह से एडजस्टमेंट लेयर लेकर के यहाँ बताया। यहाँ पे जो हमारा वायरस है, वायरस वाला क्लिप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन वायरस हैं, तीन की जगह पे आप और भी अधिक करना चाहते हैं तो अधिक कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो चेंजिंग भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें हमारे वायरस अधिक हो गए हैं, चार हो गए, एक दो तीन चार, इसमें चार वायरस हो गए, लेकिन हमको चार नहीं चाहिए, तो फिर हम इस कंपोजिशन में जा करके एक को डिलीट कर देते हैं। और भी चाहते हैं इस कंपोजिशन में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो कुछ भी चेंज करेंगे तो हमारा जो फाइनल क्लिप है इसमें चेंजिंग हो जाएगा। आप देखेंगे सेम वही चीज़, केवल इसलिए बता रहे हैं कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं सब कुछ करने के बाद, तो आप कर सकते हैं इसको फिर डिलीट करके जैसे था उसी तरह से सेम इसको कंप्लीट कर दिए हैं। आप देखेंगे यहाँ सर के ऊपर थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसको ख़त्म करना है तो डुप्लीकेट कर लेंगे कंट्रोल डी से। जो हमारा ओरिजिनल क्लिप है इसको सबसे ऊपर लेयर पर ले आएंगे और सीसी ग्लास को हम डिलीट कर देंगे।
अब डिलीट हो गया, आप तो आगे समझ गए होंगे क्या करना होगा, मास्किंग। मास्किंग करके जहाँ से हमको निकालना है उतना हम मास्किंग कर लेंगे, इस तरह से इसको मास्किंग करके की फ्रेम बना करके जिस तरह से बॉडी रोटेशन हो रही है उसी तरह से मास्किंग का रोटेशन हम की फ्रेम बना करके थोड़ा बहुत ऐसे खिसका देंगे। अब नीचे का तो बन गया, अब ऊपर सर के पास की फ्रेम बनाना है, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे भी इस तरह से की फ्रेम बनाएंगे और ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम करके यहाँ पे इस तरह से सेटिंग कर लेंगे। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिए ताकि और जल्दी हो जाए। हमारा क्लिप देखेंगे बहुत ही शानदार लग रहा है, पूरा रेंडर करेंगे। रेंडर करने के बाद इसको प्ले करके देखेंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली जा रहा है। और यहाँ मास्किंग देखेंगे, ऊपर थोड़ा सा बढ़ाना होगा हमको, तो लास्ट वाले फ्रेम पे आएंगे और इस पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे ऊपर की तरफ ताकि हमारा वायरस दिखे ना, ढक जाए इससे। अब सही है। इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें और कुछ करना चाहते हैं तो हमारा जो वायरस लेयर है इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, दो बार डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से अल्फ़ा कर लेंगे और इस तरह से देखेंगे जो वायरस है इसको हम ऐसे खिसका करके इसका शैडो बना सकते हैं अपने हिसाब से, और अधिक शैडो बना सकते हैं, उस शैडो का कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी ट्यूटोरियल देखिए, ट्यूटोरियल देखने से आपको नहीं समझ में आएगा, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप करेंगे, एडिट करेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। जो भी इसमें नहीं समझ में आया है जब आप करेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा, करते रहेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक और क्लिप हम एडिट करके पहले ही रखे थे, इस क्लिप को हम आपको दिखाते हैं। सेम वही प्रोसेस है, उसी तरीके से इस पे भी इफ़ेक्ट का प्रयोग किया गया है। इसमें एक ही सिंगल वायरस बनाए हैं और थोड़ा सा साइज इसकी बड़ी है। उसी तरह से ट्रैकिंग करके, जिस तरह से अभी ट्रैकिंग करके बताएं, सेम ट्रैकिंग करके इस पे बनाया गया है। सारे क्लिप को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद प्री कंपोज कर लेंगे। प्री कंपोज करने के बाद हम पोजीशन पे जाएंगे और स्केल दोनों को ले करके यहाँ से की फ्रेम बना लेंगे। की फ्रेम बनाने के बाद एक और की फ्रेम बनाएंगे, थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे की फ्रेम एक और बना लेंगे। की फ्रेम बनाने का मतलब यही हुआ कि जब कीड़े गर्दन के पास से निकले तब हमारा क्लिप पूरी तरह से जूम हो जाए तो थोड़ा देखने में एट्रैक्टिव लगेगा। जो हमारा दूसरा की फ्रेम था उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, फिर इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा, हम रेंडर करके पूरा देखते हैं। इससे पहले क्या करते हैं, पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे इजी कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्मूथली ये हमारा क्लिप जूम हो। इजी इन करने से यही हमारा फ़ायदा होता है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली ये इस तरह से जूम हो रहा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी तक आप वीडियो देख रहे थे संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल पर। हमारा यूट्यूब चैनल है जय फिल्म्स खलीलाबाद। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में कलर करेक्शन कुछ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेते हैं सेलेक्टिव कलर ले करके और फिर उसके बाद ले लेते हैं कर्वस। कर्वस से थोड़ी बहुत सेटिंग करते हैं और उसके बाद इफेक्ट बजा कलर करेक्शन फिर से ले लेते हैं हम। कलर बैलेंस थोड़ा सा बैलेंसिंग कर लेंगे। आप कौन सा टोनिंग देना चाहते हैं समझिए, आपको तीन चीज़ एडवांस मिल गया, अलग चीज़ मिल गया कि आप कलर करेक्शन इस तीन से मिला करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको और कोई प्लगइन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप कोई छोटा मोटा वीडियो बनाते हैं तो उसमें आप इन तीन को लेकर के आप कलर करेक्शन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये हम पहले क्लिप बनाए थे, इसमें देखिए चार वायरस यूज हुए हैं।